बड़ी खबर आ रही है इजराइल से। ईरान ने इजराइल पर हमला किया है। जरूशलम और पेथलेम इजराइल ने ड्रोन और रॉकेट से हमला किया, यहां इजराइल पर हुआ, ईरान ने किया। हमले के बाद इजराइल ने इमरजेंसी बैठक बुला ली है, आपातकालीन। जी हां, ब्रिटेन और अमेरिका ने हमले की निंदा की है। जो बाइडेन वॉशिंगटन डीसी लौट आए हैं, साथ ही बाइडेन ने कहा है कि इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध है, अमेरिका साथ खड़ा है। पहले से ही ये तनातनी लगातार बढ़ती जा रही थी, संभावना ऐसी लग रही थी, ऐसा अंदेशा था जो सूत्र बता रहे थे और जो स्टेटमेंट्स आ रहे थे उसके मुताबिक कि हमला कर सकता है ईरान, और हुआ भी वैसा है। हालांकि इनमें से ज्यादातर जो मिसाइल्स हैं उसको आयरन डोम ने नष्ट कर दिया, हवा में मार गिराया। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इसराइल का स्टैंड क्या होता है, क्योंकि इसराइल जाना जाता है अपने अटैकिंग मोड के लिए, वो डिफेंस मोड पर कम ही जाता है, क्योंकि अभी एक तरफ तनातनी चल रही, युद्ध जारी है इसराइल और फलस्तीन के बीच। लेकिन ईरान, और जैसे कि इसराइल ने पहले ही बोला था, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया था कि किसी भी देश ने अगर इसराइल पर गलती से भी अटैक करने की हिमाकत की, उसका नतीजा, उसका परिणाम बेहद खतरनाक होगा, इसराइल कदम उठाएगा। अब इसराइल देखने वाली बात होगी, क्योंकि अमेरिका ने भी कह दिया, ब्रिटेन ने भी, कि हम साथ खड़े हैं। और ये जो आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से अटैक किया गया, हवा में ही आयरन डोम ने किस तरह से नष्ट किया है, ये भी तस्वीर है। चलिए, इस पर अपडेट हासिल करने का वक्त है। क्या इसका इंपैक्ट है, तनातनी कितनी बढ़ चुकी है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आशुतोष मिश्रा का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आशुतोष, अभी तो इसराइल फलस्तीन के बीच जंग चल ही रही थी, शांति की कोशिशों को यह बड़ा तगड़ा झटका लगा है, अब इसका इंपैक्ट आने वाले वक्त में, और अभी क्या इससे जुड़ी बड़ी खबर, अमेरिका ब्रिटेन क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ बताइए दर्शकों को। दरअसल ब्रिटेन ने इस पर अपना बयान जारी किया है, प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का थोड़ी देर पहले बयान आया है। साथ ही अब से लगभग 30 मिनट पहले जो है इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने जो बाइडेन से भी बात की है, अमेरिकन प्रेसिडेंट से, और उनको भी पूरी घटना के बारे में बताया है। दरअसल 1 अप्रैल को डमास्कस में जो इसराइल की कार्यवाही हुई थी, जनरल रवि जो है वो उस समय टॉप कमांडर थे IRGC के, ईरान के, और डमास्कस में इसराइल ने बदला लिया था, और वहां पर जो अटैक किया था वो कॉन्सुलेट था, ईरान की एम्बेसी थी, और सीरिया में उसको लेकर के जब ये हमला हुआ था, जब IRGC के बड़े कमांडर मारे गए, तब ईरान ने कहा था कि इसका बदला लिया जाएगा, और वही बदले की कार्यवाही दिखाई दे रही थी। आपको ये भी बताएं कि अब से 48 घंटे पहले ईरान की ओर से कहा गया था, और वहां के जो सबसे बड़े नेता है उनकी ओर से भी कहा गया था कि अब वो समय आ गया है, और इसीलिए आज आप देखेंगे कि तड़के सुबह अचानक से, और ये भी समझिए कि ये वो हमला नहीं है जिस तरह हमास छोटे से रॉकेट जो प्रोपेलर वो खुद बना करके इस्तेमाल करता था, ये वो उस तरह के रॉकेट नहीं है, क्योंकि ईरान से लेकर इसराइल की जो दूरी है वो 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। तो इसके लिए आप देखेंगे कि बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, बैलिस्टिक मिसाइल और इतनी संख्या में फायर किए गए कि उसके चलते टेल अवीव से लेकर के, चाहे वो उत्तरी गोलान हो या दक्षिण अशोक का इलाका हो, लगभग लोगों में पैनिक की स्थिति थी, क्योंकि अचानक लगातार तरीके से आयरन डोम के अलर्ट बजने लगे, लोगों को पता चला कि इनकमिंग है, यानी उधर से कोई मिसाइल आ रही है। अब इन सब के बीच इसराइल ने पहले ही कहा था कि ऐसा अगर कोई कार्यवाही होती है तो वो अपनी मिलिट्री को रेडी रखा है, वो उसकी बदले की कार्यवाही करेगा, और ये जाहिर है कि अगले कुछ घंटों में इसराइल की ओर से जवाबी कार्यवाही शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके लिए मुश्किल ये होगी कि क्या सीरिया उसे अपना एयर स्पेस क्रॉस करने देगा। हालांकि जॉर्डन के किंग ने कहा है कि अगर इसराइल कार्यवाही करता है तो उनके साथ होंगे, कम से कम अपना एयर स्पेस उनको इस्तेमाल करने दे। तो आप समझिए कि अभी जो स्थिति है ये शायद हमास और इसराइल के बीच जो लड़ाई थी उससे ज्यादा गंभीर है, क्योंकि ईरान जो है वो कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक मुल्क है, उसके पास बड़ी शक्तियां हैं, उसे मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों का भी संपर्क मिल सकता है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो अमेरिका ने भी पूरे मेडिटेरेनियन में अपना फेरा जो है, जो युद्ध पोत है, उसे तैयार कर रखा है। लेकिन क्या वो लड़ाई में भी उसके साथ खड़ा होगा, इस पर नजर बनी रहेगी। बिल्कुल आशुतोष, नजर बनाकर रखिएगा, फिर आपका हम रुख करेंगे, और इस पूरी जानकारी को दर्शकों के बीच रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखने वाली बात होगी कि अगले कुछ घंटे कितने, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है वॉशिंगटन डीसी